हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचिका गर्ग और आज हम पढ़ेंगे डी डाइमर के बारे में। तो जो डी डाइमर होता है, ये इट्स अ फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। जब भी बॉडी में इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन हो रहा होता है तो इट इज़ जब भी थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है और जो क्लॉट बनता है, उसके बाद प्लाज्मिन जब क्लॉट की लाइसिस करता है तो फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसमें डी डाइमर भी एक होता है। तो डी डाइमर की वैल्यू लैब टू लैब डिफर करती है और ये एंजाइम लिंक्ड एलिसा से किया जाता है। इसका अगर हम एफ ई यू फाइब्रिन इक्विवेलेंट यूनिट्स में बात करें तो लेस देन 500 नैनोग्राम पर ml नॉर्मल वैल्यू है, और डी डी यू या डी डाइमर यूनिट्स में बात करें तो लेस देन 250 नैनोग्राम पर ml होता है। तो नॉर्मल बॉडी में जब इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन नॉर्मल होता है तो बहुत डी डाइमर के लेवल्स कम होते हैं। जब भी कोएगुलेशन हो रहा होता है तो डी डाइमर एलिवेटेड होता है। कुछ कंडीशंस हैं जैसे कि लाइपीमिया या हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल्स या हाई बिलीरुबिन लेवल्स, रूमेटॉइड फैक्टर भी एक एलिवेटेड है, या बॉडी में हीमोलिसिस हो रही है तो डी डाइमर लेवल फॉल्सली इंक्रीज भी हो सकता है, और नेचुरली भी ये एज के साथ थोड़ा सा बढ़ता है। COVID-19 में आजकल डी डाइमर टेस्ट कराया जाता है, उसका मतलब है कि ये कोएगुलेशन एक्टिवेट हो गया है उस पेशेंट में अगर एलिवेटेड है बिकॉज ऑफ आइदर इन्फेक्शन और सेप्सिस या साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से। और अगर डी डाइमर बढ़ा हुआ है तो मोर्टेलिटी के चांसेस भी COVID-19 में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये इम्पेंडिंग ऑर्गन डैमेज भी रिफ्लेक्ट कर सकता है। दूसरे इसके इंडिकेशंस हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस को डायग्नोज करने के लिए। कभी भी पेशेंट्स में डी डाइमर की नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। प्रेगनेंसी में कुछ कोएगुलेशन अब्नॉर्मैलिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि अब्रप्शो प्लेसेंटी या फिर कोरियोएमनियोनाइटिस की वजह से सेप्सिस, उसमें भी इसकी नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू बहुत ज़्यादा है। यानी इसके अलावा ये ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में इसकी वैल्यू होती है, स्ट्रोक को डिफरेंशिएट करने में, कि दूसरे कंडीशंस तो नहीं है। तो डी डाइमर लेवल हम कब इंटरप्रेट कैसे करें? कभी हमें DVT रूल आउट करनी है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अगर हम एंटीकोएगुलेशन ट्रीटमेंट पे पेशेंट हैं, उसका रिस्पांस टू ट्रीटमेंट देखना है तो डी डाइमर लेवल से पता चल सकता है कि वो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं। DIC को डायग्नोज करने के लिए, फॉलोअप करने के लिए, स्नेक वीनम पॉइजनिंग के लिए, कभी भी इन्फेक्शन, ट्रॉमा, मेलिग्नेंसी और पोस्ट सर्जरी ये बढ़ सकता है। लिवर डिजीज़ में भी बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ एलिवेटेड, उसका क्लियरेंस नहीं हो पाता है, या हार्ट डिजीज़ में, और फ्रीक्वेंटली नॉर्मल पेशेंट्स में नहीं बढ़ा रहता, हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में इसका बढ़ा रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।